क्या हमारे राज्य को कोई उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं होगा? गुरुदेव कहने लगे, चिंता मत करो, समय आ रहा है, धैर्य धारण करो। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। जन्म नहीं होगा। महाराज वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन धैर्य धारण करो, तुम्हारे एक नहीं चार चार पुत्रों का जन्म होने वाला है, चिंतित मत होइए। क्या करना चाहिए महाराज? श्रृंग ऋषि को बुला करके उत्कृष्ट यज्ञ कराना चाहिए। उत्कृष्ट यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं की गई, पूरा अयोध्या नगर अयोध्यावासी यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे महाराज के यहाँ पर यज्ञ होगा जिससे हमें सुंदर राजा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से, इस भाव से सारी अयोध्या यज्ञ में सेवा कर रही है। श्रृंगी अपनी देव प्रकट हुए, अपने हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के और कहने लगे, जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा। यह अभिमानी देहू नप जाई जथा जो इस खीर के प्रसाद को लेकर जाओ, अपनी रानियों में इसका प्रसाद बांट दो, तुम्हारा मनोकामना, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा, ऐसा सुंदर वरदान दिया है। महाराज दशरथ जी ने उस खीर को तीन भाग बना करके बांट दिया गया। इस प्रकार से तीनों रानियां सकरवा स्थिति का अनुभव करने लगी। जा दिन ते हरि कर भैयाए सकल लोग ते हरि कर भैयाए सकल लोक सुख सफल जाए। जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल राम जन्म सुख। भगवान जैसे घर में आए हैं, पूरी अयोध्या आनंद से भर गई है, हर प्रकार का सुख अनुभव होने लगा है और भगवान का ठीक समय आया है प्राकट्य होने का। चैत्र का महीना है, मंगलवार का दिन है, दिन के ठीक 12 बजे हैं, अभिजित मुहूर्त है, न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है। इस प्रकार से मध्य जो मौसम होता है, सुहावना जो मौसम होता है, उसका प्राकट्य हुआ। नौमी तिथि
मधुमास पुनीता सुकल पच अभिजित हरि प्रीता महारानी सरजू के चारों तरफ बिखरने लगे। पूरा अयोध्या आनंद से भर गया, चारों तरफ जय जयकार करने लगे। लगता है आज बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मन जब प्रसन्न होता है तब इंसान को कहना नहीं पड़ता, अपने आप उसका मन रूपी मयूर नाच पड़ता है। सब लोग यत्र तत्र नाच गान करने लगे, क्योंकि भगवान जब आते हैं ना तो सारी आत्माएं प्रफुल्लित हो जाती हैं। बादल जब गरजते हैं तो सारे जगत में मोर बोलने लगते हैं, पपैया बोलने लगते हैं। इस प्रकार से भगवान के आगमन पर जितनी कौशल्या के महलों के अंदर प्रकट हुए। माता कौशल्या ने देखा, हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभो मैं धन्य हुई, आपका दर्शन प्राप्त किया। हाथ जोड़कर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। हे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी I'm
चतुर्भुज नारायण का दर्शन करते ही माता ने स्तुति की और स्तुति करते ही कहने लगे, महाराज मैंने जिस प्रकार से आपसे वरदान मांगा था उस प्रकार से तो आप नहीं आए, क्योंकि मैंने तो आपको पुत्र बनने के लिए कहा था, आप तो ऐसा रूप लेकर के आए हैं, अयोध्या में कौन मानेगा कि आप मेरे पुत्र हो। और बालक का जब जन्म होता है तो उसके पास में आपके जैसे हथियार नहीं होते, शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के आप आए हो, इनकी क्या आवश्यकता है। माता पुनि बोली, सोमति डोली तजो तात यह रूपा। पहले इस रूप को त्यागिया, प्रिया शीला यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ऐसे माँ के बचन सुनकर के भगवान रोने लगे, माँ गदगद हो गई, हृदय से लगा लिया, छोटे स्वरूप में आ गए। दासियां कान लगा कर के दीवारों से खड़ी हुई थी, जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज आई दौड़ पड़ी महाराज की माँ, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज एक सुंदर राजकुमार का आगमन हुआ है, महारानी कौशल्या के महलों में एक श्याम वर्ण राजकुमार, महाराज उनकी सुंदरता बहुत प्यारी है, आप जाकर के देखें तो सही। रानी महाराज दासी के ऐसे शब्द सुनकर के महाराज ने अपने गले में से हार उतार करके उसको दिया। इतने में एक और दासी दौड़ करके आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महारानी कैकेयी ने भी एक सुंदर श्याम वर्ण राजकुमार को जन्म दिया है। महाराज मन में विचार करने लगे, पहले वाला भी श्याम वर्ण था, वो भी काले रंग का था और ये भी काले रंग का है, सभी रानियां काले काले जन्म देती रहेंगी तो हमारा तो स्वरूप ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि अयोध्या में सभी राजा एकदम गोरे, ये काले कहां से आ गए। इतने में दो दासियां दौड़ करके आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महारानी सुमित्रा ने दो राजकुमारों को जन्म दिया है। महाराज ने पूछा, सुनो उनका रंग कैसा है। बोले, महाराज ऐसा रंग है जैसा सोने का रंग होता है, गौर वर्ण के हैं, दो श्यामल दो गोरे, दो काले दो गोरे, इस प्रकार की मधुर जोड़ी। महाराज परम प्रसन्न हो गए और अब तो महाराज बाजे बजने लगे, परमानंद पूरी मनी राजा कहा बुलाए बजाबहु बाजा, परमानंद पूरी मनी राजा कहा बुलाए बजाबहु बाजा, अनुपम बालक देखनी जाई, रूप राशि बुरी कनिज सिराई, रूप राशि बुरी नींद सुहाई, परमानंद पूरी मनी राजा कहा बुलाए बजाबहु के झुंड बना करके गोपियां ऐसे भक्तों के मध्य भगवान अपने संपूर्ण रूप सौंदर्य को लेकर के प्रकट हुए। जो जो आकर के भगवान को देखता है उनको छू करके देखता है, कितना सुंदर है स्वरूप है भगवान का, इतने मोटे मोटे नेत्र हैं, बड़ा विशाल मस्तक है, आजान बाहु है, बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, बहुत ही प्यारा बदन है और बिल्कुल नीलमणि के समान है, जैसे मणि नीली होती है उसको अंदर से देखो प्रकाशित होती है, ऐसे ही भगवान का दिव्य तेज से भगवान का दिव्य रूप प्रकाशित हो रहा है। ओ प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, चलो ये सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो ये सखी देख आवे Thank you.
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, कौशल्या के कई सुमित्रा पुल पुल लेत भैया, कौशल्या के कई सुमित्रा पुल पुल लेत भैया, चलोरी सखी देखिया क्या है, सब स्वच्छ निरोग और शक्तिशाली होकर के नृत्य करने लगे, नाचने कूदने लगे, चारों तरफ राघवेंद्र सरकार की जय जयकार होने लगी, सब लोग आनंद से भर गए।
माँ के साथ जहाँ माता लक्ष्मी होती है वहाँ अष्ट सिद्धि नौ नदियाँ आगे आगे चलती हैं, पूरा ऐश्वर्य अवध में भर गया है, सर झुका जल निर्मल हो गया, बड़ी सुगंधित शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, सब लोग एक दूसरे के बैर भाव को त्याग करके भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। महाराज वशिष्ठ जी को सूचना दी गई और उनको लेकर के आए। महाराज दशरथ जी ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार किया है। तत्पश्चात विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों की याचना की, जनकपुर में धनुष यज्ञ होने वाला है, इस बात को लेकर के विश्वामित्र जी यहां पर आए। बहाना बनाया, मुझे राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते, मरीच और सुराव जैसे देवताओं ने मुझे त्रस्त कर रखा है, और उस बहाने भगवान को लेकर के गए। भागवत जी में राम कथा डेढ़ अध्याय में है, अगर इतने में ही कहा जाए तो तुरंत पूरी हो जाती है। सूक्ष्म बिंदुओं पर विचार किया है, बाकी तो राम कथा तो 9 दिन में पूरी होती है, भागवत कथा तो 7 दिन में ही हो जाती है। राम जी का अनुपम सौंदर्य, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न दो जोड़ी हैं। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी अपने आकर स्वाहु का वध किया, मारीच को बिना फड़का बाण मार करके लंका में फेंक दिया। यही से मानो भगवान ने रावण को चुनौती दी है, इसी वंश में मुझे मारने वाला कोई पैदा होगा, इसलिए उसने ब्रह्मा जी से तपस्या प्राप्त करके वरदान प्राप्त किया था कि सूर्य वंश में कोई भी राजकुमार जन्म ही न ले, इसीलिए यहाँ जितने भी राजकुमार हुए वो सब यज्ञ के द्वारा ही हुए। राम जी भी यज्ञ से ही प्रकट हुए हैं। राम जी ने आते ही मारीच को उधर भेज करके बाण की सहायता से उसको चुनौती दी है, सावधान हो जाओ। राम जी विश्वामित्र जी के साथ में श्री अवध में गए हैं, अयोध्या जो जनकपुर में, जनकपुर में महाराज जनक जी की नगरी में राम जी का भव्य स्वागत किया है। विश्वामित्र जी को एक सुंदर बगीचे में, आम के बगीचे में रोका गया है। वहीं पर कुछ बगल में ही उस वाटिका है जिसमें जानकी जी भ्रमण करने के लिए आते हैं, और उस वाटिका में जानकी जी का मिलन राम जी के साथ, उर्मिला जी लक्ष्मण जी आदि सब मिले हैं। गुरुदेव ने आकर के आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया है। राम लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन प्रातः काल से ही देश के राजा महाराजा सब एकत्रित होकर के धनुष यज्ञ के लिए चारों तरफ इकट्ठे हुए, और शुभ समय में विश्वामित्र जी के आदेश से राम जी ने धनुष खंडन किया। जानकी जी के साथ में शुभ मुहूर्त में उनकी जयमाला अपने गले में डाली। ये परम मंगल में, परम आनंद में, परम कल्याण में ये युगल दंपत्ति सारे जगत को, सारे संसार को कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे प्रभु श्री सीताराम जी का यहाँ पर धनुष खंडन के बहाने मिलन हुआ है। चारों तरफ भगवान की जय जयकार होने लगी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। अयोध्या में सूचना भेजी है, महाराज धनुष खंडन हो गया है, सभी लोगों को उत्तम प्रकार का भोजन कराया है। राम जी अपने भाइयों के साथ मंडप में विराजमान हुए। महाराज जनक जी के और भी भाई थे जिनकी और भी कन्याएं थी, मांडवी सुरत कीर्ति उर्मिला, इन तीनों बहनों को भी जानकी जी के साथ में बिठाकर मंडप में बिठाया। शुभ मुहूर्त में आचार्यों के द्वारा मंगल गान हुआ और वेद मंत्रों के साथ में राम जी का विवाह होने लगा। इधर हर प्रकार की सामग्री यहाँ पर उपस्थित है,
बड़ी धूमधाम के साथ भगवान सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ। दशरथ जी महाराज उनको लेकर के विदा करके अयोध्या की ओर चलने लगे हैं। अवध में दंपत्ति को देख करके सब लोगों के मन आनंद से भर गए। फिर भी मैं अपने जीवन को धन्य समझता हूँ, आपने इतना कुछ होने के बाद भी मेरा तिरस्कार नहीं किया। अगर मेरी माँ की ओर देखते तो मैं तिरस्कार करने योग्य था, क्योंकि नहीं विष बेल अमी फल परई, जो विष की बेल होती है उसमें अमृत के फल कभी नहीं लगते हैं। ये जानते हुए भी आपने मुझ दास के ऊपर कृपा की और मुझे अपना लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। राम जी के चरणों में प्रणाम किया है, सभी लोगों से मिले हैं और उसके बाद राम राज्य की स्थापना हुई है। राम जी ने 13,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य शासन किया। तत्पश्चात सभी अयोध्या वासियों को लेकर नित्य धाम साकेत के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, सागर से पार हो जाते हैं। भगवान वेद व्यास जी का कथन है, राम जी के दो पुत्र उत्पन्न हुए, कुश और लव, लक्ष्मण जी के भी दो, चित्र और अंगद और चित्रकेतु, भरत जी के भी दो पुत्र तक्ष और पुष्कल, शत्रुघ्न जी के भी दो पुत्र सुबाहु और श्रुतसेन। इस प्रकार से दोई दोई सुत सब धातन केरे भये रूप गुण सील घनेरे, दो दो पुत्र हुए सबके। इसके बाद राम जी के बाद 27 पीढ़ियों ने इस पृथ्वी का राज्य शासन किया है। तत्पश्चात एक अंतिम राजा सुमित हुए, उसके बाद इक्ष्वाकु वंश राज्य गति को त्याग चुका। तत्पश्चात चंद्रवंशी राजाओं का वंश वर्णन प्रारंभ हुआ है, उसके बाद चंद्रवंशी राजाओं ने इस पृथ्वी के राज्य को संभाला। चंद्रवंश प्रारंभ कहां से होता है? सबसे पहले ब्रह्मा जी नारायण की नाभि से कमल हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि ऋषि का जन्म हुआ।
अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया से चंद्रदेव का जन्म हुआ। यहां से चंद्रवंश प्रारंभ होता है। चंद्रवंश में एक चंद्रमा के पुत्र थे जिनका नाम पुरुरवा। महाराज पुरुरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था नहुष। महाराज नहुष के भी 6 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े का नाम यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। जो ययाति थे ये बड़े धार्मिक राजा थे। एक दिन जंगल से निकल करके जा रहे थे, उसी समय एक कुएं की ओर उन्होंने देखा तो एक स्त्री उसमें निर्वस्त्र पड़ी थी। उसको देखते ही उससे कहा, देवी तुम इसके अंदर क्यों पड़ी हो? उन्होंने कहा कि आप मुझे बाहर निकालो। अपना पीतांबर देकर के उसको जब बाहर निकाला तो जब ऊपर आ जाते तो हाथ पकड़ करके उनको ऊपर लिया। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अब इस हाथ को कोई दूसरा ना पकड़े। मैंने सर्व समर्पण आपको कर दिया है, आपको मैंने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। देवी मैं इस नाते से तुम्हें बचाने नहीं आया था, मैं तुमसे विवाह करने का इरादा नहीं रखता। पहले तुम अपना नाम, अपना गोत्र, अपना परिचय बताओ, तभी हमारा विवाह हो सकता है। बोले, महाराज मैं तो जानती हूं आप बड़े धर्मात्मा राजा हैं, आपका नाम ययाति है, मैंने आपके बारे में सुन रखा है, इसलिए मुझे स्वीकार है। देवी तुम्हारा नाम भी तो बताओ, तुम किसकी पुत्री हो? मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की कन्या हूं, मेरा नाम देवयानी है। तो फिर ये कैसे हो सकता है, तुम ब्राह्मण कन्याओं में क्षत्रिय हो, ये विलोम विवाह नहीं हो सकता। उच्च वर्ण का वर हो और निम्न वर्ण की कन्या, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण का वर, ये विलोम होता है, ऐसा नहीं होता, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते। तब उसने कहा, महाराज मुझे श्राप लगा हुआ है, बृहस्पति के पुत्र कच्छ का, उन्होंने मुझे श्राप दिया है कि मुझे कभी भी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में नहीं मिलेगा। मेरे पिता मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता है, भगवान शिव की तपस्या से उन्होंने उस विद्या को प्राप्त कर लिया था। देवासुर संग्राम के बाद मेरे पिता ने ही सभी दैत्यों को जीवित कर लिया था। इस बात को सुन करके बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ को मेरे पिता के यहाँ पर उस विद्या को सीखने के लिए भेजा। मेरे पिता ने उस विद्या को उसको दान किया, सिखा दिया, लेकिन दैत्य बालक उससे द्वेष करते थे। वो कहते थे, ये देवताओं का भला करेगा, ये देवताओं का पुत्र है, इसको ये विद्या क्यों दे रहे हो, ये विद्या हमें परेशान करने वाली है। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, पाठशाला और विद्यालय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यहाँ जो भी विद्या पढ़ने आएगा उसे दी जाएगी, चाहे वो देवताओं का हो, चाहे वो दैत्य का, चाहे इंद्र स्वयं आकर के सीखे तो उसको भी सिखा दूंगा। ऐसे उदार वृत्ति वाले थे। और हुआ यही, उसको सिखाई गई विद्या, लेकिन दैत्य बालकों को ये विद्या स्वीकार नहीं थी, उसको सीखना किसी प्रकार से स्वीकार नहीं था। उन्होंने कच्छ को मार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके और उसको जंगल में फेंक दिया। गुरुदेव ने शाम को पूछा, कच्छ कहाँ है? नहीं पता। सबको पूछा, कोई भी नहीं बोल पाया। तब गुरुदेव गए ढूंढते ढूंढते और वहां जाकर के पता लगा कि कच्छ तो बिखरा पड़ा है। गुरुदेव ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से उसको जीवित किया और उसके बाद उसकी विद्या पूर्ण हुई। उसको कहा कि अब तुमको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, अब तुम चले जाओ, क्योंकि दैत्य बालक तुम्हारे साथ में फिर से कोई छल करेंगे। वो जैसे ही आज रात्रि का समय था, यहीं पर रुका, कल उसको जाना निश्चित हो गया। देवयानी ने जब ये सुना, शुक्राचार्य जी की कन्या ने, कच्छ जाने वाला है, देवयानी उससे प्रेम करती थी, तुम भी ब्राह्मण बालक हो, मैं भी ब्राह्मण कन्या हूँ, तुम भी देवगुरु के पुत्र हो, मैं दैत्य गुरु की पुत्री हूँ, हमारा तुम्हारा सहयोग अच्छा है। कच्छ ने कहा, बहन तुम मेरी गुरु पुत्री हो, मेरे गुरुदेव की कन्या हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तुम मेरे लिए आदरणीय हो। देवयानी ने कहा, अगर ऐसा नहीं करोगे मैं तुम्हें श्राप दे डालूंगी। उन्होंने कहा, आपको जो देना है वो दे दो, पर मैं विवाह नहीं कर सकता। देवयानी ने क्रोध में आकर कहा, तुमने जो भी मेरे पिता से सीखा है सब नष्ट हो जाएगा।
वो व्रत संजीवनी विद्या उससे नष्ट हो गई। लेकिन कच्छ भी क्रोधित हो गए। कच्छ ने भी कहा, तुम ये भी नहीं देखती कि मेरा भाई है और उसके सामने ही तुमने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद तुम्हें जीवन में कोई ब्राह्मण बालक पति नहीं मिलेगा। किसी क्षत्रिय से शादी करके और अपने ब्राह्मणत्व के अहंकार को तुम्हें नष्ट करना पड़ेगा। इसी के फलस्वरूप महाराज ययाति आज मुझे आप पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। आप मेरे हाथ को पकड़ लीजिए, अब मैं दूसरे किसी के साथ में विवाह नहीं करना चाहती। देवयानी को स्वीकार किया गया। अगर ऐसी बात है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आइए आपका स्वागत है। बामांक में लिया, उसका सुंदर सुमुहूर्त में विवाह संपन्न किया और इसके बाद समय आने पर इनकी एक कुएं में क्यों गिरी थी इसकी कहानी भी आती है कि जो शर्मिष्ठा थी वृषपर्वा राजा जो थे उस समय, उन राजा की कन्या शर्मिष्ठा देवयानी से द्वेष करती थी और वही कुएं में डालकर के भी आई। जब राजा को पता लगा मेरी कन्या ने इतना अपराध किया है, तब देवयानी और दैत्य जो शुक्राचार्य जी दोनों ही उस राज्य का त्याग करके जाने को तैयार हो गए। तब उन्होंने कहा, महाराज किसी शर्त पर अगर आप इस राज्य को न छोड़ो तो मुझे बताओ क्या शर्त है। आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहने लगे, अपराध मेरी कन्या का किया है, अगर वो मान जाए तो मुझे स्वीकार है। देवयानी को पूछा गया, उन्होंने कहा अगर शर्मिष्ठा मेरे साथ में मेरी दासी बन करके जाए विवाह के समय, तब मैं इनको क्षमा कर सकती हूँ। शर्मिष्ठा ने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है। और ययाति आज देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों को लेकर के चल दिए। समय आने पर देवयानी के गर्भ से तीन पुत्रों का जन्म हुआ, द्रुयु अनुपुरु और शर्मिष्ठा से देवयानी से दो पुत्र उत्पन्न हुए, यदु और तुर्वसु, और उसकी दासी से द्रुयु अनु और पुरु, ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। जब उसकी दासी ने पुत्रों को जन्म दिया तब देवयानी ने अपने पिता को आके बता दिया, पिताजी तुम्हारे दामाद तो चरित्रहीन हैं, भ्रष्ट हैं, उन्होंने दासी के साथ में भी संसर्ग किया है, उससे भी दो राजकुमारों को जन्म दिया है। तब ययाति के इस कुकृत्य को देखकर महाराज शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, तुम इसी समय वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओ। ययाति बुढ़ा हो गया, लेकिन अभी उसकी तृप्ति नहीं हुई थी, इसलिए अपनी पत्नी को लेकर देवयानी को साथ में लेकर अपने ससुर साहब के पास आए और कहने लगे, महाराज मेरी अभी इच्छा तृप्त नहीं हुई है, आपकी कन्या भी अभी विषयों से पूरी तरह से तृप्त नहीं है, इसलिए आप हमारी वृद्धावस्था में वापस लौटा दो। तब उन्होंने कहा कि आपके पांचों पुत्रों में से जो तुम्हें अपनी जवानी को देना चाहे उसकी जवानी ले लो और शेष जीवन आनंद लो। पांचों पुत्रों में से जब पूछा गया तो देवयानी के तीन दोनों पुत्रों ने मना कर दिया। पुरु नाम के सबसे छोटे पुत्र जो दासी का पुत्र था उसने ही अपनी जवानी को दिया, जिससे ययाति हजारों वर्षों तक ग्रस्त भोग करते रहे, लेकिन उनकी तृप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर उसकी जवानी को वापस लौटा दिया, अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली और उसके बाद अपना राज्य जो था वो महाराज पुरु को ही दिया गया। इसलिए पुरुवंश अपने पिता की आज्ञा के कारण उनके आशीर्वाद से फला फूला और ये बहुत अच्छा साम्राज्य हुआ। पुरोर्वंशम प्रवक्षामि यत्र जातोऽसि भारतम् यत्र राजर्षयो वंश्याम् ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञे। हे राजन, अब मैं कुरु के वंश के बारे में बताता हूँ। ये परम पवित्र वंश है, इसी वंश में कौरव और पांडव ये पुरु वंश में ही हुए हैं। इस वंश में सबसे पहले दुष्यंत नाम के एक राजा हुए
इनका विवाह विश्वामित्र की कन्या शकुंतला के साथ में हुआ, जिससे भरत नाम का एक पुत्र हुआ, जो बड़े बलवान थे, यही थे, यहीं से भरत वंश प्रारंभ होता है। महाराज भरत से भरद्वाज दत्तक पुत्र हुए, आगे चलकर इसी में रंती देव हुए, आगे चल के एक हस्ति नाम के राजा हुए जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया, आगे चलकर इसी वंश में एक मुदगल नाम के राजा हुए जिनके देवोदास का जन्म हुआ, इनसे एक कन्या हुई जिसका नाम अहिल्या, जिसका विवाह गौतम ऋषि के साथ में किया गया। इसी वंश में आगे सरद्वान नाम के ऋषि हुए, उर्वशी के तेज को देखकर इनका तेज स्खलित हो गया, जिससे कृपाचार्य और कृपी का जन्म हुआ। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ में किया, जिससे अश्वत्थामा महाबली हुए, जो आज भी चिरंजीवी की लिस्ट में हैं। देवदास के वंश में ही द्रुपद नाम के एक राजा हुए, इनकी कन्या का नाम ही द्रौपदी था, इस कन्या के भाई का नाम ही द्रुपद था, जो है दृष्टद्युम्न था। इन सभी लोगों को पांचाल भी कहते हैं। इसी वंश में आगे चल के वृत्रत नाम के एक राजा हुए, जिनकी पत्नी ने दो मांस पिंडों को जन्म दिया, दोनों मांस पिंडों को देखकर उनको फेंक दिया, कोई बालक होता तब तो उसको रखा जाए, इस मांस की लोथराओं का क्या करें, उनको फेंक दिया। एक जरा नाम की राक्षसी आई, उसने दोनों मांस पिंडों को जोड़ दिया, कहा जीवित हो जाओ, तो वही बालक बन गया, जीवित हो गया। जरा नाम की राक्षसी के कारण, संधि करने के कारण ये जरासंध नाम से विख्यात हुआ। इसी वंश में आगे चल करके प्रतीक नाम के एक राजा हुए, जिनके तीन पुत्र थे, देवापी, शांतनु और बाली। देवापी तो योग में स्थित होकर आज भी तपस्या में लीन है। भगवान कल्कि का जब अवतार होगा कलयुग के अंत में, तब देवापी ही सतयुग की स्थापना करके भगवान कल्कि के सहयोग से वर्ण धर्म और आश्रमों की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से लागू करेंगे। अभी भी ये तपस्या में लीन है, उत्तराखंड में जीवित है। महाराज शांतनु की पत्नी महारानी गंगा से अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का जन्म हुआ। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य का जन्म हुआ। सत्यवती से ही महर्षि पाराशर ने वेदव्यास भगवान को जन्म दिया। विचित्र वीर्य की मृत्यु होने के बाद जो दो पत्नियां थी इनकी, अंबिका और अंबालिका, उन दोनों पत्नियों को कोई पुत्र नहीं हुआ, इसलिए माता सत्यवती महर्षि वेदव्यास के पास आई और कहने लगी, पुत्र अब हमारा वंश नष्ट होने वाला है, भरत वंश समाप्त होने वाला है, इसलिए आप इस वंश की रक्षा करने के लिए इन दोनों रानियों से हमें उत्तराधिकार प्रदान करो, उत्तराधिकारी प्रदान करो, राजकुमार उत्पन्न करो। तब उन्होंने कहा, माता मैं तो इस समय भीषण तपस्या में हूं और इस समय से ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। लेकिन माता सत्यवती ने जब ज्यादा दबाव डाला तो ऋषि वेदव्यास ने हरि इच्छा समझ करके एक एक करके दोनों रानियों को बुलाया। सबसे पहले अंबिका को बुलाया, जिससे जैसे ही महर्षि वेदव्यास ने अपने नेत्रों के माध्यम से उसका गर्भाधान किया तो उस समय उनकी आंखें बंद हो गई थी। महर्षि वेदव्यास लौट करके माता सत्यवती के पास आए और कहने लगे, माता आपने मेरी बात नहीं मानी और जिसके फल स्वरूप अंबिका गर्भवती तो हो गई है और उसको सुंदर राजकुमार की प्राप्ति भी होगी, बहुत बलवान होगा, लेकिन उनकी आंखें बंद हो गई थी इसलिए ये बालक अंधा होगा, जन्मजात इसके नेत्र नहीं होंगे। उन्होंने कहा, बस मुझे एक मौका और दीजिए, अगर ऐसा राजा इस पृथ्वी को मिलेगा तो ऐसी प्रजा उस राजा से प्रसन्न नहीं होगी, इसलिए हमें स्वच्छ एक राजकुमार चाहिए। अब की बार दूसरी अपनी
पुत्र बहुत वधु को जिसका नाम अंबालिका था उसको भेजा। अंबालिका ने नेत्र तो बंद नहीं किए, लेकिन ऋषि तो प्रचंड तपस्या में थे, उनका तेज अमोघ था, उसको सहन करना धारण करना उनकी बस की बात भी नहीं थी। उनका शरीर पीला पड़ गया, उनकी कांति समाप्त हो गई। महाराज वेदव्यास आकर के कहने लगे, माता ये पुत्र भी दुर्भाग्यवशात हस्तिनापुर के योग्य नहीं है, क्योंकि ये पांडु रोग से ग्रसित होगा, पांडु रोग से बीमार होगा। तब माता सत्यवती ने कहा, अब की बार एक बार और मौका दो, मैं इन दोनों रानियों की दासी को भेजती हूँ। और अब की बार दासी को भेजा, जिसने सहर्ष महर्षि वेदव्यास के उस तेज को पचा लिया। और उसके बाद महर्षि वेदव्यास आकर कहने लगे, माता बधाई हो, इस दासी का जो पुत्र होगा वो राजा तो नहीं बन सकता दासी होने के नाते, लेकिन तुम्हारे दोनों पुत्रों से श्रेष्ठ बुद्धिमान होगा, पूरा भारतवर्ष इनकी बुद्धि पर गर्व करेगा। राजनीति और धर्म नीति, ज्ञान नीति, समस्त नीतियों के ज्ञाता होंगे, ये महान प्रकांड विद्वान होंगे, शास्त्र ज्ञाता होंगे, ऐसा इनको वरदान दे करके महर्षि वेदव्यास लौट करके चले गए। इसके बाद इनका विवाह किया गया। जब बड़े हुए, जैसा जैसा बताया वैसे ही हुए, धृतराष्ट्र अंधा हुआ, पांडु रोग से ग्रसित हुआ, और जो दासी का पुत्र था वो विदुर के नाम से विख्यात हुआ। धृतराष्ट्र का विवाह अफगानिस्तान में स्थित गांधार देश के एक राजा थे, जिनकी बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ में किया गया, जिससे दुर्योधन आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए, साथ में एक दुशाला नाम की कन्या। पांडवों की पत्नी कुंती से धर्मवायु और इंद्र के अंश से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। महाराज पांडवों की दूसरी पत्नी माद्री से नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए, अश्विनी कुमारों की सहायता से। इन पांचों राजकुमारों की एक ही पत्नी थी द्रौपदी, जिससे 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिए थे। महाराज युधिष्ठिर का विवाह और भी हुआ था पौरवी के साथ में, जिससे देवक नाम के पुत्र हुए। भीमसेन की पत्नी हिडंबा से घटोत्कच हुए, भीमसेन की दूसरी पत्नी काली से सर्वगत हुए, सहदेव की पत्नी विजया से सोहत्र हुए, नकुल की पत्नी करणमती से नरमित्र हुए, अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी से इरावान का जन्म हुआ, अर्जुन की दूसरी पत्नी मणिपुर की कन्या से नभ्रुवाहन का जन्म हुआ, अर्जुन की तीसरी पत्नी जो भगवान श्री कृष्ण की ही छोटी बहन थी सुभद्रा, उससे अभिमन्यु का जन्म हुआ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा से परीक्षित आपका जन्म हुआ है। महाराज परीक्षित सामने ही बैठे थे। तुम्हारी पत्नी इरावती से 4 पुत्र जन्मेजय आदि जो तुम्हारे आसपास ही बैठे हैं, उनके आगे चल के जन्मेजय से सतानिक का जन्म होगा, सतानिक से अश्वमेध का जन्म होगा, और उनसे असीम कृष्ण का जन्म होगा। अंतिम राजा एक निमी करके होंगे, और उनके बाद एक क्षेम नाम का एक पुत्र होगा। इस प्रकार से पुरुवंश का भी लोप हो जाएगा। ययाति के वंश में जो अनु हुए शर्मिष्ठा के, उसके वंश में जयद्रथ हुए, इसी वंश में आगे अधिरथ हुए, जिनको कर्ण प्राप्त हुआ था बालक के रूप में मंजूषा में। तत्पश्चात महाराज यदु के वंश का वर्णन किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरं नृणाम यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते। हुए देव मेष नाम के, जिनकी 2 पत्नियां थी,
एक पत्नी से सूरसेन का जन्म हुआ, दूसरी पत्नी से अर्जन्य और परजन्य हुए जो गोकुल में रहते थे। इस नाते महाराज सूरसेन के वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए, साथ में प्रथा नाम की एक कन्या पैदा हुई जो आगे चल करके कुंती के नाम से विख्यात हुई, जिनका विवाह पांडु के साथ में किया गया। अर्जुन और परजन्य के 9 पुत्र हुए जो नंद आदि, नंद सुनंद उपनंद महानंद ऐसे करके इनके नाम थे, जो गोकुल में रहते थे। इस नाते नंद बाबा और वसुदेव जी एक ही कुटुंबी हुए थे, क्योंकि इन सबके पूर्वज एक ही थे। इसीलिए तो महाराज वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को नंद बाबा के गोकुल में भेज दिया था, अन्यथा अपनी पत्नी को कोई दूसरे गांव में दूसरे व्यक्ति के पास में क्यों भेजेगा, ये सब एक ही परिवार था। वसुदेव जी की वैसे तो 7 पत्नियां थी और भी मिलाकर के कुल मिलाकर इनकी 13 पत्नियां थी। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, रोचना, इला, सबसे छोटी का नाम था देवकी। भोजवंश में आहुक नाम के एक राजा हुए जिनके 2 पुत्र थे, एक का नाम उग्रसेन और एक का नाम देवक। महाराज देवक की कन्या का नाम था देवकी, महाराज उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ, जिससे कुल मिलाकर 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में साक्षात शेषावतारी भगवान बलराम जी आए थे। 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि के समय जन्म लिया, गोकुल पधारे, फिर वहां से वृंदावन आए, फिर मथुरा में आए, मथुरा में आकर के बहुत सारी लीलाएं की, जरासंध आदि राजाओं का वध किया, वो द्वारिकापुरी पधारे, फिर वहां जाकर अपने 125 वर्ष की आयु पूरी करके भगवान अपने धाम को चले गए, कह करके एक ही श्लोक में सारी कृष्ण कथा को विराम किया। महाराज परीक्षित कहने लगे, भगवान इस कथा को सुनने के लिए मैं अनशन व्रत लेकर के बैठा हूँ। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमारे पूर्वजों ने जिनका संग किया है, जिनका चरित्र गाया सुना है, ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण का चरित्र मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि मेरा शरीर तो नष्ट ही हो गया था, जरा जो है अश्वत्थामा के बाण के द्वारा, लेकिन उन्हीं कृष्ण भगवान ने मुझे पुनर्जीवन दान दिया है, मैं उनकी चर्चा विस्तार से सुनना चाहता हूँ, उनके जन्म का प्रसंग किस प्रकार से हुआ मैं सुनना चाहता हूँ। कथितो वंश विस्तारो, भावन के वंश का वर्णन कहकर के बड़ा सुंदर अद्भुत चरित चित्रण किया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे कृष्ण भगवान की कथा सुननी है। बहुत अच्छा आपने सुनाया, लेकिन अब मैं कृष्ण भगवान के बारे में सुनना चाहता हूँ। कहने लगे, राजन तुम्हें 4 दिन हो गए, 4 दिन से तुमने अन्न पानी नहीं खाया है, इसलिए कुछ खा पी लो। कहने लगे, महाराज मैं आपके मुख से झरती हुई अमृत में कृष्ण कथा के, भगवान की कथा के अमृत में रस का पान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भूख और प्यास नहीं लग रही है, आप तो मुझे कृष्ण कथा का वो प्रेम रस, वो कथा रस पिलाइए, जिससे मेरा जीवन तृप्त हो जाए, मैं भूख प्यास से हमेशा के लिए निवृत्त हो जाऊँ, ऐसी मेरी कामना है। पुरुषा स्त्री निपुनाति वक्तारं प्रचकं श्रोत्रं तत्पाद सलिलं यथाः। भगवान वासुदेव की जो कथा है उसका कोई प्रश्न करता है, ऐसे प्रश्न करने वाले, प्रश्न का उत्तर सुनने वाले और उस प्रश्न के उत्तर को देने वाले तीनों व्यक्ति ही उससे पवित्र हो जाते हैं। वक्तारं प्रचकं श्रोत्रं तत्पाद सलिलं यथा, ऐसी भगवान की परम पवित्र कथा का आख्यान प्रारंभ हो रहा है। हे राजन, द्वापर का समय था, द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था, द्वापर में केवल 125 वर्ष ही शेष बचे थे, तब भगवान की ऐसी सुंदर लीला यहाँ पर घटित हुई है,
जिसने पूरे महाभारत को, पूरे भारत वर्ष को, पूरे भूमंडल को पवित्र कर दिया है। यह भगवान की बड़ी मधुरी, बड़ी माधुरी से भरी हुई लीला संपन्न हुई है। राजन, आपको यह ज्ञात है, भोज वंश में कंस जैसे दुष्टों राजाओं को प्राप्त करके यह पृथ्वी त्रसित होकर के, व्याकुल होकर के इंद्र आदि देवताओं के पास में गई। इंद्र आदि देवता पृथ्वी माता को लेकर ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ में पृथ्वी माता को लेकर भगवान नारायण की शरण में गए और पुरुषोक्त के द्वारा भगवान नारायण की स्तुति की है। भगवान नारायण कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुम सब अपने अपने काम में व्यवस्थित हो जाओ, मेरी लीला संवर्धन के लिए सब सहायक हो जाओ, अब मेरे आने का समय हो चुका है। मथुरा में, मथुरा मंडल में मेरी अनेक अनेक लीलाएं होंगी और इन सभी दुष्टों का दमन करते हुए मैं अपने भक्तों का पालन पोषण करूंगा। आशीर्वाद दिया है, महारानी पृथ्वी माता जो गाय के रूप में गई थी वो लौट करके आई है। सभी देवता वहां से लौटे। इधर कंस के अत्याचारों से सारी पृथ्वी पर धर्म नष्ट हो गया था, चारों तरफ अधार्मिकता फैल गई थी। देवक की कन्या देवकी अब विवाह के योग्य हो गई है। उग्रसेन व्रत हो गए हैं। कंस के अत्याचारों को रोकने का प्रयास किया तो कंस ने उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। देवकी का विवाह अपने हिसाब से करना चाहता है, इस विचार से उसने वसुदेव जी महाराज को निश्चित किया देवकी का पाणी ग्रहण करने के लिए। सुंदर शुभ मुहूर्त में देवकी का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ में संपन्न किया। विदा करके रथ में बिठा करके ले जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई। अति प्रग्रहिणम कंस मा भास्य शरीर अष्ट्यामो गर्भो से कहने लगे, अरे राजन, तुम जानते हो जिस नव वधु को तुम लेके जा रहे हो, इस तुम्हारी बहन के आठवें संतान के माध्यम से ही तुम्हारा वध होगा, वही तुम्हारे काल का कारण बनेगा। अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो वंशायाम वहसे बुधा। देवताओं की वाणी सुनकर के कंस ने विचार नहीं किया, अपने हाथ से तलवार निकाल करके दूसरे हाथ से देवकी को घसीट कर रथ से नीचे पटक लिया और भगनी भंतुमार पाणी क्वचित रही बाल पकड़ करके भगनी को, अपनी बहन को मारने के लिए उद्यत हो गया। यह देख करके महाराज वसुदेव जी घबरा गए और कहने लगे, राजन तुम कितना जघन्य अपराध करने जा रहे हो, तुम जानते हो कभी किसी राजा के द्वारा किसी स्त्री के ऊपर कभी शस्त्र नहीं छोड़ा गया है, तुम ऐसे पवित्र वंश में उत्पन्न हुए हो, भोज वंश में तुम्हारे जैसा राजकुमार प्रतापी होनहार और इतना होने के बाद भी तुम ऐसा जघन्य अपराध करना चाहते हो। एक स्त्री की बात ही नहीं, ये स्त्री नहीं तुम्हारी बहन भी है और इसके विवाह का भी समय है, ऐसे समय तुम्हें इसको नहीं मारना चाहिए। अगर तुम्हें रहा मृत्यु का भय, मैं तुम्हें वचन देता हूं। मृत्यु जन्म बताम राजनु देहीन सह जायते मृत्यु तो शरीर के साथ ही जन्म लेती है। अद्यबाब्ध सतांतेवा मृत्युर्वय प्राणी न ध्रुवाः। आज हो या 100 वर्ष बाद हो या 10 वर्ष बाद हो, मृत्यु तो प्रत्येक जीव की निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येते न शोचित्वम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवो जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है निश्चित ही उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु हुई है निश्चित ही उसका जन्म है। इस विचार से तुम्हारी मृत्यु का भय तुम्हें नहीं करना चाहिए, वो तो ये बच्चा अगर हो तब भी तुम मरोगे, अगर ये नहीं हो तब भी तुम मारे ही जाओगे।
इस स्तर पर वसुदेव जी महाराज ने देवकी को जीवित बचा लिया, लेकिन इनको जेल में बंदी बना लिया। अब जेल में एक एक करके देवकी के यहाँ पर 6 पुत्र पैदा हुए और 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वें पुत्र के रूप में भगवान के अंश अवतार, शेषावतार, साक्षात भगवान शेष बलराम जी के रूप में आ रहे। शब्दमो वैष्णव धाम यवनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आए हैं। माता देव की आज तेज से परिपूर्ण हो गई है। हर्ष शोक विवर्धना, हर्ष भी है और शोक भी है। हर्ष इस बात का कि आपकी जो संतान होने वाली वो विलक्षण है, शोक इस बात का कि दैत्य इसको भी मार डालेगा। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश किया, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले भार्यास्ते नंद गोकुले गर्भ में स्थापित कर दिया। भारतवर्ष में ऐसा पहली बार हुआ। आज तक हमारी चिकित्सा पद्धति चाहे कितनी ही आगे क्यों ना बढ़ गई हो, लेकिन गर्भ का ट्रांसप्लांट अभी तक सक्षम नहीं हुआ है। किसी एक माता के गर्भ से निकालकर बच्चे को दूसरी माता के गर्भ में पनपा देना, उसको जीवन देना, कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति है। लेकिन भगवान की कृपा से योग माया ने ये दृश्य, ये कर्तव्य आज से 5000 वर्ष पहले ही कर दिया था। इसलिए भारतवर्ष विश्व गुरु है। यहाँ की सारी चीजों में विलक्षणता है। इधर देवकी को सब लोगों ने देखा कि 7वां पुत्र आया तो था लेकिन चला गया। कंस कहने लगा कोई बात नहीं, सब डर के मारे भाग ही जाएंगे। 7वां भाग गया, 8वां भी रुकने वाला नहीं है। कई लोग कहने लगे देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। अनेक अनेक बातें मथुरा में होने लगी जेलों के अंदर, लेकिन हकीकत क्या है ये तो आप जानते हैं। 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री बालकृष्ण माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। अब की बार देवता लोग भी आकर के भगवान की जय जयकार करने लगे। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि अथ सर्व गुणोपेतः काला परम शोभना यर्यो वादन दंडक्षम सांदरक्ष कहतारकम। शांतस्तत्र समिद्धताः भवो वायु शुभ स्पर्श। वायु सुख का स्पर्श करती हुई बहने लगी। पुण्य गंध वासुकी ही पुण्य सलिला वायु शीतल मंद सुगंध बहने लगी। ब्राह्मण लोग यज्ञ में आहुतियां डालने लगे। नाम सुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन्ने दुर्गंध भयो दिवीः। आकाश में दुर्गंधी आदि वाद्य यंत्र बजने लगे। अपने आप सबके मन प्रसन्नता से भर गए। सारी देवता भी जय जयकार करते हुए बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजाने लगे। गंधर्व किन्नर भगवान के गुणगान करने लगे। सिद्ध चारण मंगल में गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधनिया अवसर दिन के ठीक 12 बजे हर इंसान को भूख प्यास लगती। राजाओं की सवारी तो हमेशा दिन में ही निकलती है और भगवान श्री कृष्ण तो माखन चोर हैं, चोरों के सरदार हैं और चोरों की टोली रात्रि के 12 बजे ही निकलती है। इसलिए रात्रि के 12 बजे भगवान के जन्म का समय आता है। भगवान बालकृष्ण माता देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। चित्रभुज नारायण
के रूप में संघ चक्र गदा और पद्म लेकर के माता ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। आयुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मीकोस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम। भगवान बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे थोड़ी होता है, बालक के रूप में आओ ना। भगवान कहने लगे, माता हमारे मामा जी बड़े प्रबल हैं और इस समय मामा जी ने मेरे 6 भाइयों को मार रखा है। मेरे हृदय में भारी क्रोध है, अगर इस समय मामा जी कहीं दैवयोग से सामने आ जाएं तो मैं 6 भाइयों को बदला लेने के लिए अपने सारे हथियार लेके आया हूँ। लेकिन तुम कहो कि मैं तुम्हारा बालक बन जाऊं तो फिर, क्योंकि मैं अगर बालक बन गया तो एक साथ बड़े होकर के वो सारी लीलाएं नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे आज ही अभी इसी वक्त यहां से निकालना पड़ेगा, गोकुल भेजना पड़ेगा, फिर मैं सब संभाल लूंगा। माता ने कहा, आप जो कहोगे सो हम करने को तैयार हैं, लेकिन अगर इस रूप में आप प्रकट होते हो, इस रूप में आपकी ख्याति होती है तो कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि तुम मेरे पुत्र हो। इसलिए विदितोऽसि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्द स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, मैं समझ गया परमात्मा प्रकृति से परे हैं, आप जैसा कहेंगे हम करने को तैयार हैं। आप जगत पिता हैं, परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, आपकी आज्ञा पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। आत्ममायया पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। भगवान ने सब समझाया बुझाया, यहाँ से लेकर के मुझे पहुंचाना है गोकुल में, फिर वहां से आपको कन्या मिलेगी उसको लेकर के आना है। रास्ते में वसुदेव जी जिनको यमुना जी में बाढ़ आई है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी रात्रि के ठीक 12 रोहिणी ने चंद्रमा नक्षत्र में प्रवेश किया है, चंद्रमा ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है और रात्रि का ऐसा सुंदर सुहावना समय, कभी बादल गरजते हैं, कभी आकाश साफ होकर के झिलमिल करके लाइटें जल जाती हैं, मानो भगवान के प्राकट्य उत्सव पर देवताओं ने जो है लाइटों की जो कतारें लटका रखी हों, ऐसी सुंदर तारों की शोभा हो रही है। कभी कभी बादल उमड़ उमड़ करके वृष्टि करने लगते हैं, बड़ी सुंदर जलधारा के साथ में मधुर मधुर ध्वनि करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान श्री बालकृष्ण को लेकर वसुदेव जी महाराज जब चलने लगे तो शेषनाग सोचने लगे, भगवान के ऊपर भूतें आएंगी, इनको विक्षिप्त होंगे, परेशान होंगे, अपने छत्र को बना लिया ऊपर, छत्र धारण करके चल रहे हैं। यमुना महारानी ने सोचा, मेरा परम सौभाग्य मेरे हृदय में आ गया है, मेरे गोविंद मेरे सामने उपस्थित हो गए हैं, आज ऐसे भगवान का चरण स्पर्श पा करके मैं अपने जीवन को धन्य करना चाहूंगी। भगवान के चरण छूने के लिए यमुना जी की धार उभरने लगी, बाढ़ आ रही थी, अथाह पानी था उस समय और रात्रि का समय था, चारों तरफ बड़ी बड़ी भ्रमरें पड़ रही थी, भयावना दृश्य था। ऐसे दृश्य को देखकर हर व्यक्ति कांप जाता है, लेकिन वसुदेव जी महाराज जिनके मस्तक पर भगवान है, जिनकी बुद्धि में भगवान होता है, वो इस संसार में किसी भी स्थान पर भय से व्याकुल नहीं होते, आगे बढ़ते हैं। यमुना जी ने जैसे भगवान के स्पर्श का, पैर का स्पर्श किया, चरण स्पर्श किया, यमुना जी नीचे उतर गई और रास्ता दे दिया। वसुदेव जी महाराज लेकर के आए गोकुल में, आज भगवान बालकृष्ण गोकुल में पधार रहे हैं और आज यहाँ कथा में बुद्धि में पधार रहे हैं। जय हो वसुदेव जी महाराज, कन्हैया को गोकुल में पधरा करके योग माया को लेकर मथुरा चले गए हैं, वहां जाकर योग माया ने सबको बता दिया है कन्हैया तो बुद्धि में प्रकट हो गया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, लाला की बाबा की जय हो, बाबा की लाला की जय हो, जय जय श्री राधे। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा।
से भगवान बालकृष्ण का स्वागत करते हैं। आप सभी लोग बड़े हृदय से पवित्र भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी बस्ती में आए। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, Thank you.
चुपके चुपके